सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ की ओर, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कम हुआ है क्या आपको लगता है कि कौन सा वोटर घर पे बैठा है? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यूथ बाहर नहीं निकल रहा, जो राम मंदिर के दौरान 3 दिन आगे पीछे बाहर सड़कों पर दिखा था। तो कौन सा वोटर घर बैठ गया? क्या 400 का नारा बैकफायर किया है? खड़गे साहब से ये सवाल है। और अखिलेश जी आपसे सवाल ये है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल, उसमें भी कोई नहीं बताएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अब मैं आखिरी एक है मिस्टर राजीव सिंह अविनाश जी, न्यूज़ 18 से पूछना चाहते हैं, 400 का क्या नारा बैकफायर कर गया है बीजेपी? अखिलेश जी ने जवाब नहीं दिया खड़गे साहब से कि 400 का नारा क्या बैकफायर कर गया है बीजेपी के लिए? जो कम वोट प्रतिशत है वो किसका वोटर घर बैठा है? देखिए, वोटर किसका है तो अभी हम गिने नहीं, जवाब दे चुके, लेकिन ये आप युवा पूरे नाराज है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बेरोजगारी का ये है मुद्दा है, इसीलिए बहुत से युवा जो उनके आगे पीछे पहले फिरते थे अब कम इसलिए हुए कि उन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों पे उन्होंने कभी नहीं निभाए। शांति जी, आप कोई नहीं डराएगा, बोलिए बोलिए खड़गे जी, आखिरी 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 प्रश्न, आखिरी प्रश्न खड़गे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आएंगे एक तो एक राम मंदिर का प्रश्न प्रश्न आ जाएगी। अरे यार, आपका प्रश्न बोलिए ना, प्रश्न बोलिए आपका खड़गे जी, आप प्रश्न एक मिनट, ऐसा मीटिंग ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब मत करिए भाई, खराब माहौल खराब मत, सब लोग शांति, आप भी शांति से बैठे, आपका प्रश्न पूछिए जल्दी, प्रश्न पूछिए खड़गे जी, मेरा सवाल है आपसे कि एक मिनट उनका प्रश्न है आपके लिए अलग से। खड़गे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो चाह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला बदल दिया जाए, इसको किस तरीके से देखती है पार्टी, का क्या स्टैंड है इस पे? जी हाँ सर, सर एक एक प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न काफी हो चुके हैं और सर, निकलना होगा, ये प्रश्न का उत्तर अखिलेश जी बाकी लोग शांति से सुने प्लीज। सर न्यूज 18 से एक है खड़गे जी, ये हमारे दोनों इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में है कि जिन नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए वो नौकरी दी जाएंगी, ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी है, समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में भी है कि जितनी सरकार। तो यहाँ पर आप मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। दोनों नेताओं ने लखनऊ में इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बड़ा बयान देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी की विदाई तय है, 4 चरण के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए और जनता का साथ हमें मिल रहा है, ये दावा किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कहा यह संविधान बचाने का चुनाव हो रहा है इस वक्त देश में, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार के समर्थन में नतीजे आना, के सपोर्ट में नतीजे आना लगभग तय है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की लखनऊ में आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दरमियान एक बड़ा दावा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए, जो ये कह रहे हैं कि 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो अब तक उन्हें रुझान मिल रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहे हैं, इंटरनल सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके हिसाब से मोदी जी का जाना तय है, ये बड़ा दावा मल्लिकार्जुन खड़गे का। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इन दोनों ही नेताओं से पूछा गया तो क्या रायबरेली से इस बार प्रधानमंत्री
संसद तक पहुंचेंगे, तो इसका जवाब अखिलेश यादव टाल गए और कहा अपनी स्ट्रेटेजी आपके सामने खोलकर नहीं रख सकते। ये पूछा गया कि ठीक है, एक सीट आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक वाराणसी की सीट शायद बचेगी और मोदी जी का जाना तय, अब इस चीज को जरा समझिए, 80 में से 79 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, दावा ये भी कि मोदी जी का जाना तय है, इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है चार चरणों के चुनाव के बाद, जो नतीजे आए हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, अभी तक इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट्स जो हैं, इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया गठबंधन के फेवर में ये चुनाव अब तक रहा है, चार चरणों के बाद हम और मजबूत हुए हैं, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। तो बड़ा दावा मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव का, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार तय रूप में बनेगी, ये दावा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के ये दो बड़े चेहरे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष। लखनऊ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ इस दरमियान इन्होंने बड़े दावे किए हैं। कि अभी तक चार चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है, पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है।